आइए आज सुनते हैं तिल संकष्टी चतुर्थी की कथा। इसे तिलकुटा चौथ, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी और तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत यह हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भाल चंद्र स्वरूप का पूजन किया जाता है। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और हर माह के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन पड़ने वाले चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी का अपना विशेष महत्व है। तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन इस व्रत को महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने पुत्र की दीर्घायु कामना के लिए, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर सभी माताएं अपने पुत्र की कल्याण के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इस दिन भर निर्जला रह करके इस व्रत को किया जाता है और शाम को चंद्रोदय होने पर भगवान भालचंद्र गणेश का पूजन करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, चंद्रमा को धूप दीप दिखाने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दिन खुद सोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। कम से कम दो समय भगवान का पूजन करना चाहिए, सुबह और खास करके चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद चंद्रदेव से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में सभी प्रकार की सुख और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए और चंद्रदेव से, और तब जाकर के इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी पर परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का अधिकार प्रदान किया था। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी बड़ी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर लाया करता था और उसे बेचा करता था और अक्सर बीमार ही रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौट का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौट की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी, हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाना खाएंगे, तभी मैं खाना खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी तू रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। जब बेचारी गणेश जी को याद करते हुई रोते पीटते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे,
धूबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो भी रही हूँ और कुछ जाग भी रही हूँ। गणेश जी बोले कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दो, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा सीके में पड़ा है, वही जाकर खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटाऊ? वह बोली, यहाँ पड़ा है, जहाँ तेरी इच्छा है वहीं पे निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछू? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहा है, सो बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछ कर गए थे, वहाँ हीरे की टीके वो बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चे ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह उसे कह डाला और घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी, मजबूरन पति को उसे मारना ही पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाओ? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, आप देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवा भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटने कहाँ है? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहा? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई, सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया यह उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चल पाएगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरे की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई भी दो हिस्से करकर उसे भी बांटा। इस प्रकार से गजानन ने पाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज को भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपना कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले पर भी अपना कृपा बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ
माघ मास में कृष्ण पक्ष में भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, चंद्रदेव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। भगवान गणेश जी उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ष 2024 संकटाचौथ तिल चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार सुबह 6:12 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:55 पे। इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है, इस कारण से 29 जनवरी को ही जो कि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी हमें प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को संकट चौथ का व्रत किया जाएगा, तिल चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:42 और सूर्यास्त शाम 5:39। इस दिन चंद्रोदय का चंद्र दर्शन का जो समय है वह समय रात्रि 8:49 है और चंद्रास्त जो कि सुबह 8:53 पे होगा। तो चंद्रोदय होने के बाद ही पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। बहुत से जगहों पर चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो पंचांग के अनुसार जो समय बतलाया गया है 29 जनवरी को रात्रि 8:49, तो आप इसके बाद पूजन का कार्य संपन्न करके चंद्र देवता को आप अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं और फिर अपने व्रत को भी पूर्ण कर सकते हैं। 29 जनवरी को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:04 से सुबह 9:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शोभन योग होगा सुबह 9:44 तक, उसके बाद अति गंड योग होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:57 तक होगा, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब माघ मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हो तो उसका वीडियो जो कि प्रत्येक दिन एक एक अध्याय करके आप माघ मास महात्म्य का कथा श्रवण कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।